हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड यूपी कैडेट एडमिट कार्ड। यूपी कैडेट 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, तो आज हम बात करेंगे आपको किस तरीके से मोबाइल से यूपी कैडेट का डाउनलोड एडमिट कार्ड करना है 2021 का। ठीक, एडमिट कार्ड आने के बाद किसी भी कीमत में एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी बोल लेते हैं सर का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, तो एडमिट कार्ड आने के बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको 10 से 12 दिन जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, 10 से 12 दिन जो भी आपके पास में है, आप होल सिलेबस का रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने से आपकी बहुत सारी पुरानी चीज़ें, पुराने डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जब पुराने डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यूजी एग्ज़ाम है वो आपका 12 अगस्त में है, और जो पीजी एग्ज़ाम है एमएससी के लिए वो आपका यहाँ पर 13 अगस्त में एग्ज़ाम आपका होना तय है। अभी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो आप लोग घबराएं नहीं बिल्कुल भी। आपने जितना पढ़ रखा है आप उसी को पॉजिटिव वे में लेकर के उसका रिवीजन करिए। ठीक है, बाद बाकी हम लोग यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेस चलाते हैं शाम को। ठीक है, अब आप डेली लाइव रहिएगा तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के, और बाद बाकी इन सभी की जो है हमने लिस्ट बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल पर लिस्ट को चेक करें। ठीक है, यूपी कैडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, आपके वहाँ पर बहुत सारे डाउट और बहुत सारे क्वेश्चन पता चलें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आप होल सिलेबस रिवीजन करिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। आपने जितना पढ़ रखा है, मैं ये समझता हूँ 200 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो ये टोटल मिला के आपके पास 600 नंबर का पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो जो मेजर पार्ट है वो आपका जो मेजर पार्ट है, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, और मैं समझता हूँ जीके, इसमें जो फिजिक्स आती है 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन आता है, और जो मैथ और बायो होता है वो 80 क्वेश्चन आता है, और जो जीके आती है 20 क्वेश्चन आती है। अब कई विद्यार्थी यहाँ पर ये सवाल करते हैं सर हम जीके कौन सी किताब पढ़ें, तो 10 से 12 दिन में मैं समझता हूँ आप जीके को हटा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई मेजर पार्ट नहीं है। मेजर पार्ट अगर ध्यान देंगे तो काफ़ी कवर होगा, चूँकि जीके इतनी आसान आती है, कोई विद्यार्थी जिसने बिल्कुल ना पढ़ा हो तब भी वो 10 से 12 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकता है। बहुत आसानी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, कानपुर किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तो बसे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो हर कोई बच्चा कर सकता है। ठीक, अगर थोड़ा बहुत अपडेट रहता है तो पेपर न्यूज के साथ में, तो ठीक है। इसके बाद मैं समझता हूँ यहाँ पर आप ये कुछ, क्योंकि आप इसको खुद सोचिए, आप अगर 20-20 कर लेंगे तो क्या सिलेक्शन आपको हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर जो 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में से अगर आप 120 से लेकर के 130 क्वेश्चन तक कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। अब जो विद्यार्थी वेटनरी करना चाहते हैं, बीबीएससी करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी यहाँ पर समस्या बढ़ सकती है। जैसे उनके लिए जो क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे वो यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, मतलब 150 मिनिमम होने चाहिए, तभी आपको वेटनरी कोर्स मिल सकता है। इससे कम वेटनरी कोर्स पॉसिबल नहीं है, चूँकि सीटें भी कम है, बच्चे ज़्यादा बैठते हैं। ठीक है, इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स अगर करना चाहते हैं यूपी कैडेट से, गवर्नमेंट जो चारों यूनिवर्सिटी उनसे, तो आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, और 200 में 120 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने, मैं समझता हूँ, 70% सिलेबस भी पढ़ रखा है तो भी आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत पेपर इजी आता है। अब 80 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आते हैं सपोज, ठीक है, मान लीजिए सपोज 80 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, तो 80 क्वेश्चन मैथ में आप देख लीजिएगा करीब 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन, मतलब कॉमन होता है, वो क्वेश्चन दिया हुआ 61 पर, वही क्वेश्चन दिया हुआ 81 पर, ऐसा होता है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बात बाकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो हम लोग जो करा रहे हैं पेपर सॉल्व, एकदम बिल्कुल पेपर क्वेश्चन आपका ऐसा ही पूछा जाएगा जैसा हम लोग मॉडल पेपर करवा रहे हैं। ठीक है, और भी क्लासेस बढ़ाएंगे, एक दिन में कम से कम 2 क्लास करवाएंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट पर आते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग होल सिलेबस का रिवीजन करें इस टाइम पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करें तो मॉडल करें ताकि पूरे मॉडल का होल सिलेबस दिमाग में बैठ सके। ठीक, पूरे होल सिलेबस रिवीजन आप करेंगे तो बहुत सारे आपके पुराने डाउट, पुराने चीज़ें जो गलत हुई हैं वो सही हो जाएंगी, और रिवीजन जब करेंगे तो सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में सेट भी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पेपर जब देना होगा तो वहाँ पर एक पेपर आपको 3 घंटे में कवर करना होता है। आप खुद सोचिए, आपको 200 क्वेश्चन जो है वो 3 घंटे में कवर करना है, यानी कितनी अच्छी स्पीड होगी। तो आप मैथ और बायो में, अब बायो वाले बच्चे 80 क्वेश्चन में समझता हूँ आता होता 20 मिनट लगे केवल, लेकिन मैथ वाला अगर बच्चा होगा उसे कम से कम यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा तब वो क्वेश्चन निकाल पाएगा। ठीक, मतलब 60+70+ क्वेश्चन कर लेगा आराम से, अगर मतलब होगा कम से कम, तभी आपको 1.5 घंटा यहाँ पर टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब 1.5 घंटे में उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई, तो मैथ वाले बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पर एक
लेंथी कैलकुलेशंस होती है, तो ध्यान रखें इस बात का। बायो के लिए खैर बहुत बड़ी अच्छी बात है, बायो सिंपल पोर्शन होता है, उसका 80 क्वेश्चन यहाँ पर आपका बायो करना है, ठीक है। फिजिक्स भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है 50 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन, और जीके आपकी आती है 20 क्वेश्चन, तो आराम से वो यहाँ पर कवर कर सकता है। बट जो मैथ स्टूडेंट्स है उसको मैथ में यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें आप लोग, फिजिक्स में छोटे छोटे सवाल लगाएं, ठीक है। तो ये बात हो गई है जनरल। अब बात करते हैं हम लोग कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। तो गूगल में यहाँ पर आप सर्च करेंगे यूपी कैटेट, मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं यूपी कैटेट। इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कम्बाइंड, ये देखिए गया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर देखते हैं इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत पुरानी आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर देख रखे हैं लिखा हुआ प्रवेश पत्र डाउनलोड करें कि आपकी 1 अगस्त, तो ने 1 अगस्त शाम को जो है इसका डाउनलोड करने की तिथि दे रखी है, और परीक्षा तिथि जो है वो आपकी देख सकते हैं यहाँ पर 12 अगस्त और 13 अगस्त ही दे रखी है। रिजल्ट के बारे में यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा जैसा भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके, हाँ देखिए कैसे एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। ये आपका लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन, ये लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। आप जिसमें क्लिक करेंगे तो देखिए क्या ओपन होता है यहाँ पर, ये आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दे रखा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के इसको यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो एडमिट कार्ड। सेकेंड तरीका ये है, कुछ बच्चों को पासवर्ड पता नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डालेंगे सब, इसमें क्लिक कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या आ गया, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, यानी यहाँ पर जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक। इसके बाद सिक्योरिटी कोड ये दे रखा है, आप इसमें एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एडमिट कार्ड खोल करके आ जाएगा, ठीक। यहाँ करेंगे आप लॉगिन तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड जो भी आपका है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इसी में आगे, ठीक। देखिए इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में, चलिए तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, आपको क्या क्या लेकर के जाना है, ठीक है। और ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत नॉर्मल लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ आपको किस तरीके से क्या लेकर के जाना होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 1, देखिए फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी प्रोग्राम यानी ग्रुप विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई ग्रुप गलत आया हुआ है, मतलब सपोज आपका 12th अगर जो है PCM से है, तो आपने आपको एग्ज़ाम PCM से ही देना पड़ेगा। अगर आप PCMs हैं, आपने भर दिया वहाँ पर PAG ग्रुप, तो आपका क्वेश्चन पेपर PAG में आएगा, आपका 1 साल चला जाएगा। मैं पहले बता चुका इस बात के बारे में, मतलब अगर आपने 12th PCMs किया है तो आपके एडमिट कार्ड में भी PCM लिखा होना चाहिए, तभी आपको PCM पेपर मिलेगा। अन्यथा आप PAG से अगर देंगे, ठीक है, या फिर बायोस देंगे, गलती अगर हुई होगी तो आपको जो पेपर मिलेगा वही देना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक। अगर सिलेक्शन आप ले भी लेते हैं, काउंसलिंग में आप निकाल दी जाएँ बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ विषय कोड प्रोग्राम ग्रुप सब्जेक्ट कोड की जाँच भली प्रकार कर लें, ठीक है। यदि किसी विभिन्नता है तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पश्चात तत्काल दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर ईमेल आईडी पर संपर्क करें। अगर मान लिया ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए सपोज अगर आपका पेपर जो है, आप मान लो 12th PCB से है, मान लो, ठीक, आपने PCB से पास किया है, अब आप कैफे पर गए, आपने कहा एग्रीकल्चर भर दो, तो उसने हो सकता है वहां पर PAG डाल दिया हो। ये मतलब होता है इंटर जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस दूसरा है, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो एग्रीकल्चर आती है वो दूसरी आती है, आपके PCB दूसरी आती है, मतलब क्वेश्चन पेपर दूसरा होता है, ठीक। होते 200 क्वेश्चन ही, केवल GK सेम होती है, ध्यान रखेंगे, बाद बाकी सब सब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग होते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे लिख करके आ गया है तो आप तुरंत जो है हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क करें यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आपका चेंज हो सकता है, चूंकि आपने PCB से अगर किया है तो तैयारी PCB से की होगी आपकी, आपने, ठीक है, और PCB से आपको पेपर भी मिलना चाहिए, तभी आपका 1 साल बच सकता है, यानी सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा आपका यहाँ पर चला जाएगा, ठीक। ये बात शायद कई लोग बताते नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले ही चीज़ बताई थी कि आपको इस तरीके से सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिससे आपने 12th पास किया आपको एग्जाम उसी देना पड़ेगा, तो ध्यान रखें इस बात का। अगर यहाँ पर जो है, चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई, ध्यान रखें ग्रुप कोड को ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद बात करें कुछ यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र को लेकर जाएं, जो अभी आपने एडमिट कार्ड लिखा रखा है इसको आप लेकर के जाएंगे, ठीक, इसके बिना आप नहीं जीवित रह पाएंगे। अच्छा कि ध्यान रखेंगे,
आप अभी से एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका काम आएगा। कब काम आएगा? जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब। एक एडमिट कार्ड, एक आप एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, जो भी आप निकाला होगा जिसमें आपको जो है फॉर्म एप्लीकेशन नंबर दिया रहता है, आप जिसके थ्रू एडमिट कार्ड ईमेल आईडी जो प्रवेश करके आप निकाला एडमिट कार्ड है वो, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन यहाँ पर फॉर्म है, आप ये फॉर्म और एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकाल लग दीजिएगा। ये काउंसलिंग आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो काउंसलिंग होती है 3-4 महीने बाद, ठीक है। अभी फिर मान लो जल्दी हो जाएगा, पेपर लेट हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा। पहले ऐसा होता था कि आपका एग्जाम मई में हो जाता था, ठीक है, और अब काउंसलिंग जुलाई अगस्त में होती थी। तो कुछ बच्चों के पास एडमिट कार्ड अगर यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं हो पाता तो काउंसलिंग से ऐसे लोग वंचित हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट, परीक्षा हॉल में छात्र छात्राएं जो है वो हाफ शर्ट, यानी छात्र केवल हाफ शर्ट स्लीपर चप्पल पहन करके जाएंगे। छात्राएं जो है गर्ल्स लोग बिना बटन का टॉप, बिना बटन का टॉप पहन करके जाएंगे और स्लीपर चप्पल पहन करके जाएंगे, ठीक है। गर्ल्स लोग फैशन बन के नहीं जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर। ध्यान रखेंगे, कुछ लोग को एक रूमाल बांध लेते हैं, ठीक है। यूपी वाले लोग जुगाड़ी बहुत ज़्यादा होते हैं, हर जगह जुगाड़ लगाते हैं। चलो ठीक, नाक बंद है, अरे क्या दिक्कत है भाई, आपको सिपाही भी मारेगा, ठीक है। और हो सकता है एग्जाम में आप ऐसा नहीं, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा किसी की टेंशन लेने से, आपको डांटेगा हड़काएगा फालतू में, आपका जो जो पढ़ कर गए भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसी हरकत ना करें। तो मास्क का सैनिटाइज ये ले जाना बहुत जरूरी है, बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। देखिए दे रखा, COVID-19 के दृष्टिगत समस्त अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये तो काफ़ी अच्छा रूल है, हर जगह पालन होता है यूपी में, ठीक है। चलिए आप लोग खुद ही देख रहे होंगे क्या होता है इसमें। बात करते हैं 6th पॉइंट, प्रवेश पत्र के साथ कोई एक पहचान पत्र ले जाएं, या आधार कार्ड या डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं होता स्टूडेंट के पास में, ठीक। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जो 18 साल से कम उम्र होते हैं, तो आधार कार्ड सबके पास होगा ही होगा। अगर नहीं है तो पासपोर्ट, अगर ये नहीं है तो मतदान जो पहचान पत्र होती है वो ले करके जाएँ, ठीक है। और इसके साथ साथ 2 कलर फोटो, 2 रंगीन फोटो, ये रंगीन फोटो वही होनी चाहिए जो आपने आवेदन किया है ऑनलाइन आवेदन भरते टाइम, वो वाली होनी चाहिए। अगर बाई चांस फोटो खो गई है तो आवेदन में आपने जो शर्ट पहन करके फोटो खिंचाई है सेम टू सेम उसी डेट पर, आप वैसी फोटो खिंचा लें चलेगा। ऐसा कई बार विद्यार्थी जाता था हुआ है, हमने सलाह दी आप उसी शर्ट में खिंचा लो तो काम जो है बन जाएगा, ठीक। अब ऐसा हो सकता है कई बार विद्यार्थी उस समय मान लो ऐसे ही था, इसमें मान लो टकला लगा लिया हो, टोपी लगा लिया हो, चश्मा लगा लिया हो, तो उसको साथ समस्या हो सकती है, ठीक है। चलिए ठीक, चूंकि एडमिट कार्ड में आ गया होगा बिना टोपी के, अब जाओ टोपा लगा के तो फिर वो टोपा आपको बना देगा, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 के बारे में, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित 45 मिनट पहले आपको वहाँ पर जाना होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर पेपर आपका वो मान लो सपोज 9 से है, तो यहाँ पर आपको 8:15 पर एंट्री कर देनी होगी 45 मिनट पूर्व, ठीक है। 9 से 12 पेपर अगर है आपका तो ठीक। इसके बाद एक क्या पॉइंट लिखा हुआ, परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया है। मतलब आपका 9 बजे पेपर है तो अगर आप 9:15 के बाद जाएंगे, 9:15 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर मान लो अगर आप 9:16 या फिर 9:17 पर या 9:20 पर जाएंगे, और एग्जामिनर कई बार तो ऐसे होते हैं बहुत हैकरी टाइप होते हैं, वो एक एक दो दो मिनट काउंट करते हैं, अरे 2 मिनट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो कोशिश करें आप लोग, ठीक है। हर हाल में 8:15 से लेकर के 8:30 तक पहुंच जाए, आधा घंटा एक घंटे पढ़ने से सिलेक्शन आपका नहीं हो जाएगा, याद रखेंगे। कुछ बच्चे जाते हैं विद्यार्थी बाहर बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, जब आपने साल भर नहीं पढ़ रखा है तो एक घंटे में पढ़कर सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक। अगर एक घंटे में एक रात पढ़कर सिलेक्शन हो जाता तो कोई भी स्टूडेंट्स हर परीक्षा पास कर ले जाता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। आराम से उस रात सोए जम करके बढ़िया नींद पाएं, इसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाएं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आप हो गया आपका 7 नंबर, 8 नंबर हो गया, बात करते हैं 9 नंबर की, किसी भी दशा परीक्षा केंद्र परिवर्तन। हाँ, आपका परीक्षा केंद्र जो है चेंज नहीं होगा, जो आपके एडमिट कार्ड में आ गया वही रहेगा। परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, आईटी गैजेट्स, यानी कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ ईयरफोन, ठीक है, ये सब चीज़ों से यहाँ पर वर्जित है। अगर ऐसा होगा तो अनुशासन कार्रवाई करेगा, ठीक। कोई भी कीमती मूल्यवान सामान बैग, देखिए कीमती मूल्यवान सामान क्या पर क्या मतलब है, कुछ भी ऐसा चीज़ ना लेकर के जाएं जो चोरी हो जाए। कुछ बच्चे बड़ा अजीब टाइप होते हैं, मान लो कोई नेता है लड़का,
कोई खलीफा है, कोई मंत्री का लड़का है, तो चैन एंड डाल के जाएगा और परीक्षा में चैन वहाँ पर मान लो खो गई तो फिर क्या करोगे, बेचैन हो जाओगे। तो ऐसी चैन ना ले जाएं जो आप बेचैन हो जाएं, ठीक। कोई भी सामान जो है उसके लिए देखिए लिखा है, इस संबंध में नुकसान परीक्षा निकाय जिम्मेदार नहीं होगा। अगर चैन चोरी हो गई तो फिर सब कुछ चोरी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 12 नंबर। अभ्यर्थी उत्तर देने से पूर्व प्रश्न जो आपका प्रश्न पत्र का है, ठीक है, दिए गए निर्देशों भली बात पढ़ लें, ठीक। परीक्षा हॉल में काला पेन बाल पेन जरूर लेकर के जाएं, ठीक है, और दो लेकर के जाएं, और लेकर जाएं कैसा, मोटा, जो थोड़ा मोटा चलता हो, ठीक है, मोटा चलता हो। कुछ लोग क्या पतला ले जाते हैं और मार उसको रगड़ रख देते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा ना करें, मोटा पेन ले जाएं, ताकि आपको ऑफलाइन पेपर होता है उसमें गोले भरने होंगे, जितना मोटा ले जाओगे आपका टाइम बचाएगा, ठीक। कुछ बच्चे सीट भरते रहते हैं इस तरीके से, ये नीला इधर इस तरीके से बनाते हैं टेबल, तो वो सब काम ना करें, उनका कोई सेलेक्ट होने का मतलब नहीं होता है, टाइम पास चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात होगी इतनी, अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर। परीक्षा का प्रवेश पत्र में निर्धारित समय अनुसार होगा, इस संबंध में घोषणा परीक्षा मतलब यह जो आपको पेपर आपको मिलेगा वो जो परीक्षक होगा वो डिपेंड करेगा, कहीं कहीं पर किसी किसी रूम में 5 मिनट लेट होता है तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभ्यर्थी परीक्षा की शुरुआत में ही प्रश्न पत्र का और सभी प्रश्न, हाँ ध्यान रखें, जब भी आप पेपर मिले तो आप पहले पेपर खोलते टाइम जो है या उसको देख लें कि आपके पास में कि प्रश्न पत्र का कंप्लीट है कि नहीं है। अगर कोई प्रश्न नहीं है उसमें अवेलेबल नहीं है, मान लो आप पीसीएम से हैं, ठीक है, आपको पेपर मिल गया पीसीबी का, आप देखें फिजिक्स केमिस्ट्री है लेकिन आपके पास यहाँ पर बायो नहीं है, तो आप बताइए वहाँ पर परीक्षा जो आपका परीक्षक है कि सर मेरा पेपर जो है चेंज हो गया, आप उसको दूसरा चेंज करिए, तो वो आपको तुरंत चेंज कर देगा, ठीक, ध्यान रखें इस बात का। 16 नंबर देखिएगा, अभ्यर्थी जब भी आपको परीक्षा देने के बाद निकलेंगे तो देखिए अभ्यर्थी प्रश्न पत्रिका से कोई प्रश्न को ना निकालें, ठीक है, यानी आप पेपर चुरा के नहीं ले आएंगे। अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न अगर कोई अधूरा पाया गया निकाला जाता तो उसके पास अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 17 नंबर देखिए, मूल्यांकन है तुलनात्मक अंकन, इसमें परीक्षा में माइनस मार्किंग होती है, एक नंबर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, गलत के लिए आपका एक क्वेश्चन काटा जाएगा, मतलब -4 नंबर आप किए जाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 माइनस करता है। 19 नंबर यहाँ पर, अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका OMR के सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभ्यर्थी काले बैल पॉइंट का प्रयोग करें, ठीक है, ब्लैक ही ले जाएं, क्योंकि वो ब्लैक जो होता है कंप्यूटर पकड़ लेता है कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया हुआ है, ब्लैक से इसको भरें, ठीक। 29 नंबर है, अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कोई भी कच्चा काम नहीं करेंगे, रबर का आप नहीं करेंगे, ठीक है, कच्चा काम के लिए पुस्तिका में जगह उपलब्ध होगी। हाँ, जो आपका पेपर मिलता है उसमें काफ़ी कुछ कुछ छूटा रहता है, ठीक है, नीचे और लेफ्ट हैंड जगह छूट रहती है, आप उसी पेपर कॉपी में कर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है। परीक्षा समाप्ति होने पर अपनी जो प्रश्न पुस्तिका यानी पेपर आपके पास में, पेपर और OMR शीट दो का ध्यान रखेंगे। प्रश्न पुस्तिका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा समाप्त होने पर जो आपका यहाँ पर पेपर है और आपकी जो OMR शीट है, इन दोनों को जो है यानी OMR शीट और क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसको वहीं पर रख के आना है और इसको लेकर के नहीं आना है, ठीक है। आप केवल क्या लेकर के आएंगे, एडमिट कार्ड, जो भी लेकर के आए थे वही लेकर के जाएंगे, ठीक, वही लेकर के वहाँ से आएंगे, ठीक। तो एडमिट कार्ड लेकर के आपको यहाँ पर जाना होगा, ठीक। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन वो सभी हैं, जब आप काउंसलिंग कराओगे तब वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल जो है, ठीक है, इसके बाद हम लोग तभी बात कर लेंगे बाद में, फिलहाल ये हमारे हो गए इंस्ट्रक्शंस, तो ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। तो सभी लोग होल सिलेबस का रिवीजन करिए, बाद में हम लोग जो क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं आप लोग उसको करिए पूरी तरीके से, ठीक है, रिवीजन करिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो पाए, और परेशान मत होइएगा इस समय, बिल्कुल निगेटिव मत सोचिए, आपका एग्जाम अच्छा होगा। हम ऐसे ही आप सभी के लिए दुआएँ करते हैं, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।